नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। नगर परिषद क्षेत्र में संचालित होने वाले प्राइवेट स्कूल शासन द्वारा निर्धारित मापदंड का पालन न करके नियम विरुद्ध ढंग से संचालित हो रहे हैं। निजी स्कूल के संचालक अपने हिसाब से अपनी संस्था का चला कर रहे हैं इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार अधिकारी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। इन पर प्राइवेट स्कूलों की मान्यता संबंधित दस्तावेजों में दर्शाए मापदंड शासन के नियम के परे हैं, जिस पर अधिकारियों ने किसी के दबाव में आकर मान्यता तो प्रदान कर दी, लेकिन उच्च स्तरीय जाँच होगी तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आएंगी। नियमानुसार मान्यता संबंधित दस्तावेजों में पात्रता के नियमों का उचित पालन नहीं किया गया है। नगर में लगभग 10 प्राइवेट स्कूल संचालित हो रहे हैं, जिसमें कुछ स्कूलों के पास खुद के भवन तक नहीं है और ना खेल मैदान है। समझ से परे बात यह है कि खेल मैदान स्कूल के पास मौजूद नहीं दिखाई देते हैं। स्कूल टाइम में खेल पीरियड्स लगने पर बच्चे कहाँ खेलने जाते होंगे और शिक्षक उन्हें क्या सिखाते होंगे। अधिकांश स्कूलों में खेलकूद की व्यवस्था के लिए मैदान नहीं है। नगर सहित आसपास के क्षेत्र में कुछ स्कूल ऐसे हैं जो निजी भवनों में संचालित हो रहे हैं। संचालित कई स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। क्षेत्र के अधिकतर स्कूलों के पास अग्निशमन यंत्र भी नहीं है। यदि शासन द्वारा निर्धारित मापदंड का प्राइवेट संस्था पालन नहीं करती है तो उसकी मान्यता समाप्त करने के सख्त निर्देश दिए हैं। और कई स्कूल ऐसे हैं कि बच्चों के आने जाने के रास्ते में कीचड़ भानी भरा हुआ है। स्कूल के सामने शिक्षा विभाग इन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर पाते, ये किसी को नहीं मालूम। आपके स्कूल से आपने कुछ कहा नहीं कि स्कूल हम आते जाते हैं हमें इस कीचड़ से? तो अभी तो नहीं, अभी तो स्कूल वाले बोलते हैं गंदी रूल्स फॉलो करें, क्योंकि कुछ मैजिक वैन वाले रहते हैं, हम पैदल आते जाते तो हमें ज़्यादा दिक्कत होती है। थैंक यू। 2 साल से मैं इस रोड को रिपेयर करा रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इसमें कोपरा और गिट्टी डलवाई थी, इस बार भी कोपरा और गिट्टी डलवाई थी, लास्ट ईयर भी। ये 3रा साल है, हर साल वहाँ जो पड़ोसी है वो रोड पे मिट्टी डाल देता है, जिसके कारण कीचड़ मच जाती है। सरकारी रोड है, हम बार बार रिपेयर कर। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।